नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारतीय खिलाड़ी अनु रानी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो इवेंट में एक बार फिर फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने गुरुवार को ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन राउंड में 59.60 मीटर भाला फेंककर फाइनल में एंट्री की। अब फाइनल में भारत खिलाड़ी एक दूसरे को टक्कर देते नजर आएंगे। हाल ही में भारत के केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी एक स्पष्ट खतरा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में CBDC पेश करने की घोषणा की थी। अब केंद्रीय बैंक के कार्यकारी निदेशक अजय कुमार चौधरी ने जानकारी दी है कि भारतीय रिजर्व बैंक होलसेल और रिटेल सेगमेंट में चरणबद्ध तरीके से सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा के क्रियान्वयन को लेकर काम कर रहा है। बीते दिनों केंद्र सरकार ने डेयरी प्रोडक्टों पर GST बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके बाद सरकार के इस फैसले पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए हैं। अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार के फैसले पर तंज कसा है। उन्होंने दूध, दही और छाछ पर GST लगाने के फैसले पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने भारत में 2019 में अब तक 36.29 लाख साइबर सुरक्षा की घटनाएं होने का दावा किया है। मिश्रा ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि पिछले 4 साल में देश के साइबर सुरक्षा में घुसपैठ की 36.29 लाख कोशिशें हो चुकी है। इनमें 2021 में साइबर अटैक की सबसे ज्यादा कोशिशें की गई। उन्होंने आगे कहा कि ये घटनाएं 2019 से जून 2022 तक हुई और भारत सरकार ने इसकी जांच के लिए कई जरूरी कदम भी उठाए हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की चारदीवारी से सटे देहर तालाब चमर गद्दी टोले के पास तालाब में प्राचीन भग्नावशेष मिले हैं। मंगलवार को खुदाई हुई थी। बुधवार को पुरातत्व विभाग की टीम पहुंची। खुदाई में शिवलिंग सहित कई मूर्ति मिली है। मूर्ति मिलने की सूचना के बाद आसपास के ग्रामीण पहुंच गए हैं और शिवलिंग को अपने साथ लेकर चले गए। नीति आयोग के तीसरे इनोवेशन इंडेक्स में इस बड़े राज्यों के बीच कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस इंडेक्स को नीति आयोग की वाइस चेयरमैन सुमन बेरी ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परमेश्वरन अय्यर की उपस्थिति में गुरुवार को जारी किया। इस इंडेक्स में प्रमुख राज्यों में पहले स्थान पर कर्नाटक है, वहीं दूसरे पर तेलंगाना, तीसरे स्थान पर हरियाणा को हासिल हुआ है। और नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में उपराष्ट्रीय स्तर पर नवाचार क्षमताओं और पारिस्थितिक तंत्र की पड़ताल भी की जाती है। बैंक से जुड़े कामकाज के लिए कई बार ब्रांच जाना पड़ता है और बैंक में कर्मचारियों की लेट लतीफी के किस्से अक्सर ही सुनने को मिलते हैं। कई बार बैंक जाने पर कर्मचारी लंच के बाद आने के लिए बोल देते हैं। कई बार लंच के बाद भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। अगर आपको भी यही सब सहना पड़ा है और इसका ही सामना करना पड़ा है तो ये खबर आपके लिए खास है। अब अगर आप बैंक कर्मचारी आपके काम के लिए वहां पर आपको घुमाते हैं तो आप तुरंत इसकी शिकायत कर जिम्मेदार पर कार्रवाई करा सकते हैं। भारतीय टीम के इंग्लैंड से पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचने के लिए BCCI ने प्राइवेट फ्लाइट का इंतजाम कर दिया है, जिसके चक्कर में कुल 3.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। BCCI ने इतना खर्चा कोरोना काल में सख्त नियमों के चलते नहीं किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की खबर के मुताबिक प्राइवेट प्लेन का इंतजाम इसलिए किया गया क्योंकि मैनचेस्टर से पोर्ट ऑफ स्पेन के लिए इतनी बड़ी संख्या में कमर्शियल फ्लाइट्स में टिकट बुक कर पाना संभव नहीं था। सरकार ने गुरुवार को लोकसभा को बताया कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ वुमेन एयरलाइंस पायलट्स के अनुसार विश्व में कुछ पायलटों में से 5% महिलाएं हैं, जबकि भारत में महिला पायलटों की संख्या लगभग 15% है। लोकसभा में डॉक्टर बी सत्यवती और चिंता अनुराधा के प्रश्न के लिखित उत्तर में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह जानकारी दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 19 जुलाई को कहा है कि पिछले 6 हफ्तों में पूरे यूरोप में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 3 गुना हो गए हैं, जो वैश्विक स्तर पर सभी संक्रमणों का लगभग आधा है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की दर भी 2 गुनी हो गई है। हालांकि ये राहत की बात है कि ये मरीज इंसेंटिव केयर यूनिट में नहीं है। WHO यूरोप के निदेशक डॉक्टर हंस क्लूज ने COVID-19 को एक भयानक और संभावित घातक बीमारी बताया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग सबसे खराब बताई गई। ये रैंकिंग में पाकिस्तान 4th नंबर पर है। ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित है। एसोसिएशन दुनिया के सबसे बड़े यात्रा जानकारी के डेटाबेस को बनाए रखता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत दूसरे देशों में रहने वाले आतंकवादियों से संपर्क रखने वाले मरगूब उर्फ ताहिर से ATS मुख्यालय में लगातार पूछताछ की जा रही है। पटना पुलिस के साथ बिहार ATS, NIA, IB और रॉ के अधिकारियों ने घंटों पूछताछ की है। आम का सीजन अब खत्म होने वाला है, लेकिन इस बीच आम को लेकर बेहद खास खबर नजर आई है और आम की खेती के लिए दुनिया भर में मशहूर यूपी के मलिहाबाद में एक किसान ने 120 साल पुराने पेड़ से आम के करीब 300 किस्मों को पैदा किया है। मलिहाबाद में आम की खेती करने वाले कली उल्लाह खान बताते हैं कि सामान्य आंखों से देखने पर यह सिर्फ एक आम का पेड़ नजर आता है, लेकिन ये अपने आप में आम की पूरी यूनिवर्सिटी है और दुनिया का सबसे बड़ा आम का कॉलेज है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर IIT एयरोस्पेस विभाग के छात्र एक नैनो ड्रोन तैयार किया है जो बेहद छोटा है और गोरैया चिड़िया के बराबर है। इस ड्रोन का वजन मात्र 232 ग्राम है। खासकर इससे रक्षा बलों के टोही क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इससे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की चिंता बढ़ सकती है क्योंकि ड्रोन चुपके से किसी भी सीमा के अंदर प्रवेश करने और दुश्मनों के मंसूबे की जानकारी अपने कैमरे में कैद करने की क्षमता रखता है। इसी सप्ताह सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू है। आज चौथे दिन तक दोनों सदनों में कार्यवाही सुचारू तौर पर नहीं हो सकी क्योंकि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस हंगामे के बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने गुरुवार को सुझाव दिया है कि कार्यवाही के नियम में बदलाव हो सकता है ताकि सप्ताह का एक दिन विपक्ष को दिया जाए। इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने फरवरी 2021 में $1.5 बिलियन डिजिटल करेंसी बिटकॉइन में निवेश करने की घोषणा की थी। उसके कुछ समय बाद ही अप्रैल महीने में टेस्ला कंपनी ने अपने बिटकॉइन पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा बेच दिया था। टेस्ला ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी की डिजिटल संपत्ति $218 बिलियन कम हो गई है और क्रिप्टो बार में बिटकॉइन के लगातार टूटने से दूसरी तिमाही में लाभप्रदाता कंपनी को नुकसान पहुंचा है। बैंकिंग सेवाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों के लिए नई नई सेवाएं लेकर आता रहता है। इसी कड़ी में SBI ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं को लॉन्च किया है। इस सेवा की मदद से SBI ग्राहक व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का आनंद उठा सकते हैं। भारत को 2021 में विदेशों में मनी ऑर्डर के रूप में $87 अरब मिले हैं और इस मामले में वो शीर्ष पर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में ये कहा गया है। WHO के शरणार्थी और प्रवासियों पर पहले रिपोर्ट में कहा गया है कि आज दुनिया में प्रत्येक 8 में से एक व्यक्ति यानी कि करीब 1 अरब प्रवासी है। भारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बदलने और वायु प्रदूषण को रोकने के प्रयास में $10 अरब की इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना बना रहा है। भारत दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों वाला देश है। यहां सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करके वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी गुरुवार को $115.5 अरब की अनुमानित संपत्ति के साथ माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार भारतीय व्यवसायियों ने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है जिनकी कुल संपत्ति $104.6 बिलियन आंकी गई है। संसद के मॉनसून सत्र के शुरुआत से ही विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। विपक्ष सरकार से महंगाई और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग कर रहा है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में सरकार की रणनीति पर चर्चा करने के लिए शीर्ष मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में संसद को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा भी की गई है। देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसके महोत्सव के अंतर्गत आजादी से जुड़े संस्मरणों और संघर्षों को बयान करने वाले अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में भारतीय रेलवे ने 18 से 23 जुलाई तक आजादी का अमृत महोत्सव सभी जोनल स्तर पर धूमधाम से मनाने की बात कही है। श्रीलंका इस वक्त खराब दौर से गुजर रहा है। देश में आर्थिक राजनीतिक संकट गहराया है। ऐसे में कुछ समय से खबर आ रही थी कि एशिया कप श्रीलंका में आयोजित नहीं किया जाएगा। हालांकि अब इस खबर की पुष्टि हो गई है। श्रीलंका क्रिकेट ने बुधवार यानी कि 20 जुलाई को एशियाई क्रिकेट परिषद को इसके बारे में सूचित कर दिया है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अनंत सिंह के सरकारी आवास से इंसास राइफल मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद होने के मामले में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है। इससे पहले कोर्ट ने उनके लदमा स्थित आवास से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद बिहार विधानसभा ने उनकी विधायकी रद्द कर दी थी। दाशरथ हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ की। सुबह करीब 12:20 पर शुरू हुई ये पूछताछ करीब दोपहर 3 बजे तक खत्म हुई। सोनिया गांधी इसके बाद ईडी ऑफिस से निकल गई और जांच एजेंसी ईडी की तरफ से की गई इस पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन करती नजर आई। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर भी कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र नजर आए। कांग्रेस के सांसद भी संसद भवन में बस के जरिए पार्टी मुख्यालय पहुंचे। हाल ही में होटल और हॉस्पिटल दोनों पर 5% का GST लागू किया गया है। हॉस्पिटल रूम पर GST लगाने के कारण देश के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े अस्पताल एम्स का प्राइवेट वार्ड महंगा हो गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के फाइनेंस डिवीजन की तरफ से 20 जुलाई को जारी आदेश में साफ साफ कहा गया है कि प्राइवेट वार्ड के डिलक्स रूम का चार्ज अब बढ़ गया है। बिग बॉस OTT पोस्टपोन्ड होने के बाद अब फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सलमान खान का बिग बॉस 16 कब शुरू होगा। हालांकि TV9 भारतवर्ष पर सबसे पहले ये बताया गया है कि फैंस को इस साल बिग बॉस 16 पर थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि इस शो के पहले बिग बॉस मराठी की शुरुआत होगी। लेकिन हमारे सूत्रों की माने तो जल्द ही सलमान खान आने वाले नए सीजन के प्रोमो शूट करने वाले हैं। हालांकि दर्शकों को ये प्रोमो देखने के लिए और भी इंतजार करना पड़ सकता है।
सिवान की जदयू सांसद कविता सिंह और उनके पति जदयू नेता अजय सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। सांसद के मोबाइल पर कॉल कर उन्हें धमकी दी गई। कॉल करने वाले ने अपना नाम अखलाक बताया है। कहा गया है कि उनके पति का हश्र लखनऊ के कमलेश तिवारी जैसा होगा। सांसद ने धमकी की शिकायत पुलिस से की है। इस मामले की सिसवन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने अलग अलग धाराओं में FIR दर्ज किया है। पटना के फुलवारी शरीफ से देश विरोधी गतिविधियों में पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ के इस टेरर मॉड्यूल की कई परतें उघड़ गई हैं। रोज नई जानकारियां सामने आ रही है। बिहार के कई जिलों सहित राज्य के बाहर यहां तक कि विदेशों में भी इसके तार जुड़ गए हैं और अब इस मामले को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एकमत नहीं दिख रहा है। हफ्ते भर बाद मंत्री रामसूरत रॉय ने पलटी मार दी है। तबादला आदेश रद्द किए जाने से गुस्सा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत रॉय ने यह कहकर राजनीतिक विवाद बढ़ा दिया है कि जहां मंत्रियों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं वहां मंत्री रहने से क्या फायदा। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अब वो कोई जनता दरबार नहीं लगाएंगे और जनता की समस्या नहीं सुनेंगे। भाजपा कोटे के मंत्री ने यहां तक कह दिया है कि वो मंत्री पद के ललायत नहीं है। रामसूरत रॉय का सीधा हमला सीएम नीतीश के खिलाफ था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया उनके नाम है कमला अग्रवाल, गुलशन कुमार यादव, संतोष कुमार, आकाश पटेल, संजीत कुमार, कमला अग्रवाल, प्रिया यादव, निशांत सिंह, अशोक कुमार, देवव्रत गुप्ता। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत में खेल को बढ़ावा देने में केंद्र की मोदी सरकार सफल हुई है या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।